संसद के नए भवन के 28 मई को उद्घाटन के साथ एक और शब्द बहुत चर्चा में है और वो है सेंगोल। राजदंड या सेंगोल का तमिल में मतलब इंसाफ है। तमिल राजाओं के पास ये सेंगोल होते थे जिसे अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। तमिलनाडु के एक अधीनम यानी मठ की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपे गए सेंगोल को नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के बैठने की जगह के पास देखा जा सकेगा। सवाल ये कि जैसा कि मौजूदा सरकार दावा कर रही है, क्या देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वाकई सेंगोल को भारत में अंग्रेजों से सत्ता के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर कबूला था या सिर्फ एक उपहार के नाते ऐसा किया था? क्या 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों ने वाकई नेहरू को इसे सौंपा था? सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। दो तमिल महाकाव्यों सिलप्पदिकरम और मन्नी मेलाई में सेंगोल का जिक्र आता है। ये भी कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने सेंगोल पर अध्ययन किया था। उन्होंने ही नेहरू को चोल साम्राज्य की परंपरा का हवाला देते हुए बताया था कि राज्याभिषेक के समय राजा को राजदंड यानी सेंगोल सौंपा जाता था। मौजूदा सरकार के सेंगोल को लेकर दावों से हालांकि कुछ इतिहासकार अलग राय रखते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के एडिटर प्रोफेसर माधवन प्लाट का कहना है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अंग्रेजों ने इसे नेहरू को दिया और नेहरू ने इसे कबूल किया। प्रोफेसर प्लाट के मुताबिक पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा होता तो अंग्रेज जरूर इसका प्रचार करते। वहीं दूसरी बात ये कि ऐसी संभावना कम थी कि नेहरू किसी औपनिवेशिक देश से सत्ता के ऐसे किसी प्रतीक को स्वीकार करते। उन्होंने ऐसा किया भी होगा तो सीधे केवल भारत की जनता, संविधान सभा, संविधान या इसके समकक्ष किसी संस्था से ही किया होगा। दिल्ली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुराई कृष्णन का कहना है कि नेहरू घोर लोकतंत्रवादी थे और राजशाही के प्रतीक राजदंड जैसी परंपरागत चीजों में उनकी कतई दिलचस्पी नहीं होगी। संभवतः इसलिए उन्होंने सेंगोल को तब इलाहाबाद म्यूजियम भिजवा दिया था। प्रोफेसर प्लाट का ये भी सवाल है कि अगर तमिल मठ के मुखिया की ओर से नेहरू को सत्ता के सिंबल के तौर पर ऐसा कुछ सौंपा भी जाता तो उस मठ को ऐसा करने का क्या लोकतांत्रिक अधिकार था? सिर्फ एक मठ या एक ज्वेलर के कहे कभी सच मान लेने का औचित्य क्या है? इसका कुछ आधिकारिक रिकॉर्ड भी कहीं होना चाहिए। देश तामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।